बांदा जनपद के कमासिन थाना पुलिस ने कमासिन कस्बे में व्यक्ति की हत्या करने वाले अभियुक्त को हत्या में प्रयोग किए गए फरसे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बांदा पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने तथा वंचित व्यक्तियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज सोमवार की शाम करीब 5:30 बजे कमासिन थाना पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति राधे उर्फ राधेश्याम की हत्या करने वाले अभियुक्त शिवपूजन वर्मा को हत्या में प्रयोग किए गए फरसा सहित गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि रविवार की रात्रि करीब 9 बजे कमासिन कस्बे के रहने वाले शिव पूजन वर्मा के द्वारा कस्बे के ही रहने वाले राधे उर्फ राधेश्याम से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई थी, जिसको लेकर फरसे से वार कर घायल कर दिया था। घायल अवस्था में राधे उर्फ राधेश्याम को CHC कमासिन में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। इस संबंध में कमासिन थाने पर मृतक के पुत्र की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए घटना के 24 घंटे के अंदर अभियुक्त शिवपूजन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयोग किया गया फरसा भी बरामद किया गया है। 27/10/2024 को थाना कमासिन के अंतर्गत रात्रि 8:30 बजे के आसपास कमासिन कस्बे में राधे श्याम वर्मा पुत्र कांता वर्मा उम्र 60 वर्ष की उसके पड़ोसी द्वारा हत्या कर दी गई थी। तदुपरांत त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए थाना कमासिन में समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। 3 टीमों का गठन किया गया। तीनों टीमों के समन्वय एवं समस्त इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्यों का संकलन करते हुए अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त का नाम शिव पूजन वर्मा पुत्र दोगुआ वर्मा है, जिसने पूछताछ से बताया कि 1 साल पहले मृतक के बेटे की शादी में DJ पे डांस करने को लेकर विवाद हुआ था, जिससे इन दोनों के बीच में कसीदगी बनी रहती थी। अभियुक्त के निशानदेही पे आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।